Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 3rd subject science. Open your books and come on page number 28, page number 28 पे आइए आप लोग. हमने जो अपने पिछले वीडियोस में जो हमने बी वाले का क्वेश्चन वन कर लिया था आंसर, ठीक है. अभी हम लोग जो है बी वाले का अभी सेकंड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. क्या दिया हुआ, हु आर रोडेंट्स. अभी रोडेंट्स कौन है जो दांतों से काट काट कर खाते हैं, तो देखिए एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, जानवर जैसे कि स्क्वायरल मतलब गिलहरियाँ, कॉमा रैबिट्स यानी खरगोश, कॉमा रैट यानी चूहा एक्सेट्रा इत्यादि. तो ये जो सारे हैं ये अपने दांतों से जो है जैसे काट काट करके चबा चबा के मतलब कैसे दांतों से पहले काटते हैं, बाइट करते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, फिर काटते हैं, फिर खाते हैं, ये जो है रोडेंट वाले में आ जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, नेम एनी थ्री कार्निवर्स. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वो जानवर के बारे में बताते हैं. तीन नाम हमें बताना है, कौन से जानवर, कार्निवर्स यानी जो जो अपना फ्लैश यानी मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं. तो यहाँ पे देखिए नंबर वन पे हमने टाइगर लिख दिया है, नंबर दूसरे पे यहाँ पे स्नैक लिख दिया है, ये भी जो है दूसरे मतलब मेंढक वगैरह खाते हैं, ठीक है. और तीसरा जो है क्या है, फ्रॉग करते हैं, ये भी जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, कौन या मछलियाँ वगैरह खाते हैं, फ्रॉग छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है, ठीक है. और भी बहुत सारे हैं जैसे कि अपना बियर हो गया, और अपना नहीं बियर तो उसमें आ जाएगा, लॉयन हो गया, ठीक है, जैकल यानी सियार हो गया, और भी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो जो है मांस वगैरह खाते हैं, कार्निवर्स में आते हैं. आप पीछे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ तीन पूछा था, हमने यहाँ पे तीन लिखा दिया. नेक्स्ट, हाउ डू लिजार्ड्स ईट देयर फूड्स. अभी लिजार्ड पूछ रहे हैं, लिजार्ड मतलब क्या होता है, छिपकली जो होती है वो अपना फूड यानी खाना जो है कैसे खाती है. तो देखिए यहाँ पे दिया, लिजार्ड्स ओपन देयर माउथ यानी लिजार्ड अपना मुँह खोलते हैं माउथ वाइड यानी चौड़ा खोलते हैं, माउथ वाइड WIDE वाइड टू स्वेलो, स्वेलो SWALLOW स्वेलो मतलब निगलना होता है देयर फूड्स. अभी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए आप लोग, लिजार्ड्स ओपन देयर माउथ वाइड टू स्वेलो देयर फूड्स यानी लिजार्ड जो अपना मुंह खोलते हैं चौड़ा और जो है जल्दी से जो कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट उसको जो है फटाक से निगल जाते हैं, ठीक है, खींच करके अपने मुँह में. वाट आर कैनिन यूज्ड फॉर. अभी कैनिन क्या होता है, जो कॉर्निवर्स अपना कॉर्निवर्स होते हैं यानी जो मांसाहारी जो होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं उनके दांतों को जो है कैनिन्स बोला जाता है, जो नुकीले तेज़ बहुत होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसको जो है कैनिन्स बोला जाता है. और उसका यूज़ क्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए पियर्सिंग PIERCING पियर्सिंग एंड टीयरिंग TEARING द फ्लैश यानी नोच और खींच खींच कर मतलब गोश्त को जो है मांस को जो है खाने के लिए जो है ये दांत होते हैं, ठीक है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फ्लैश. अब यहाँ पे देखिए क्या दिया सी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स. अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो नीचे यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है इसी में से इसमें जो है फिल करना है हमें, ठीक है. तो पहले देखिए हनी बी, अभी शहद क्या होती है, हनी बी इट्स फूड यानी जो मधुमक्खी होती है वो कैसे अपना भोजन लेती है, तो हनी बी जो होती है वो चूसती है फलों के जो है रस. तो यहाँ पे हमने देखिए सक सक मतलब होता है चूसना, तो हनी बी सक्स इट्स फूड यानी इसके भोजन को चूस लेती है. तो यहाँ पे देखिए यहाँ सक्स पे हमने एक नंबर लगा दिया है. दूसरा, बटरफ्लाईज हैव अ लॉन्ग, अभी बताया हमने बताया था ना बटरफ्लाई के मुंह में एक बहुत बड़ी लंबी सी ट्यूब होती है, लंबी सी मतलब उनके हिसाब से लंबी सी, मुंह से बाहर निकली हुई रहती है और अंदर पेट में रहती है, तो वहाँ से जो है भोजन चूस लेते हैं अपना. तो बटरफ्लाई हैव अ लॉन्ग ट्यूब इन इट्स माउथ, इसके मुंह में जो है एक लंबी सी ट्यूब रहती है, ठीक है, ट्यूब मतलब पाइप की तरह होता है ट्यूब. यहाँ पे देखिए दो नंबर ट्यूब है, इस पर हमने यहाँ पे दो नंबर फिल कर दिया. नेक्स्ट, तीसरा, डैश इज अ कार्निवर. अभी इसमें दिए गए में जो है कौन ऐसा जो मांस वगैरह खाता है, तो यहाँ पे हमने देखा जैकल यानी सियार था, तो हमने यहाँ पे जैकल लिख दिया, जैकल इज अ कार्निवर यानी जो है मांस जो दूसरे जानवर को जो मांस खाता है. अब यहाँ पे देखिए कड चीविंग एनिमल्स आर कॉल्ड. अभी कड चीविंग जो एनिमल होता है हमने बोला था उसका दूसरा भी नाम होता है, क्या था, रूमिनेंट्स यानी जो जुमाली करके खाते हैं, कैसे पागुर करके खाते हैं उनको जो है क्या बोला जा रहा है, कड चीविंग या रूमिनेंट्स बोला जा रहा है, ठीक. इसको कोई कोई कड चीविंग बोलता है, कोई कोई कड चीविंग बोलता है, ठीक है, दोनों सही है, प्रॉपर गलत नहीं है. अभी पाँचवा देखते हैं, स्नैक्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. अभी जो सांप होते हैं वो जो है अपना अपने बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, पहले अंडा देते हैं, फिर अंडा देने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, ठीक है. तो वही बोला रहा है स्नैक्स रिप्रोड्यूस यानी जो सांप होते हैं उनका प्रजनन कैसे होता है, अंडे दे करके फिर बच्चे निकलते हैं. यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पाँच नंबर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे अपना ये हो गया. अब यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों पार्ट जो है एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें लगता है अलग से फिर दूसरी वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है. चलिए ठीक है, ये वाला डी वाले पार्ट से हम लोग जो अपने अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है. बाकी यहाँ तक आप लोग जो है सब एक एक करके पूरा पढ़ लीजिएगा, और यहाँ क्वेश्चन आंसर तो हर एक को याद होना चाहिए,
और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी अच्छी तरह समझ समझ के एक दो बार तीन बार जितनी बार हो सके वीडियो देखिए, ताकि आप लोग खुद से फिल कर सकें, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़े जैसे हम फिल करते हैं। ठीक है, चैप्टर एक बार पढ़ा दिया तो समझ लीजिए सबको, हमने पूरा अर्थ के साथ चैप्टर पढ़ाया है, कहीं पर छोड़ा नहीं है, तो आप लोग को खुद समझ में आना चाहिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप लोग खुद से कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।